किया जाए। सुनो 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 हम बच्चों की पुकार सुनो, हम बच्चों की पुकार सुनो। क्या हुआ, क्या बात है? मलेरिया क्या बला है? ये कोई छोटी मोटी बला नहीं है, इसीलिए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस 25 अप्रैल मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अब तक तो जन्म दिवस मनाया जाता है, ये मलेरिया दिवस क्या है? इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, सबको बताने और मलेरिया दिवस मनाने और सबको जागरूकता फैलाने। मैं हूँ मच्छरों का राजा एनोफिलिस। रानी जी आप रहती कहाँ? मैं रहती हूँ गंदी जगह में, रुके हुए पानी में। अरे ओ सांबा, क्या हुआ रे? कहाँ तुम्हारा वजन 80 kg और कहाँ 1 ग्राम के मछली का जस्ट, तुम्हारी ये हालत हो गई? थू धिक्कार है। अरे ताली बजाओ। अरे इसके काटने में सुनो, जोरों में दर्द, पैरों में दर्द, घुटना में दर्द, बहुत सारे कठिनाइयां हो रही है। काटने से तो बीमार आदमी पानी भी नहीं मांगता है। इसके काटने से तो आदमी मर भी जाते हैं। तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? साफ सफाई रखे, मच्छरदानी का उपयोग करे, डीटी का छिड़काव करे और पानी, किसी भी पानी को 7 दिन से जमा नहीं ना रखे। स्वच्छता को लक्ष्य बनाए, मलेरिया को दूर भगाए। स्वच्छता को लक्ष्य बनाए, मलेरिया को दूर भगाए। जैसा कि सर ने आपको बताया अभी कि मलेरिया, क्योंकि आप एक लैब टेक्नीशियन है या फिर आप एक हेल्थ कर्मचारी है, स्वास्थ्य कर्मचारी है, इसके लिए आप लोगों में क्या ऐसा सिम्टम देखेंगे जो कि आपको पता चलेगा कि हाँ इसको मलेरिया ही है प्रॉपरली, या फिर टाइफाइड हो सकता है या फिर जॉन्डिस हो सकता है? कुछ तो ऐसा सिम्टम होगा जो कि एक दूसरे से अलग होता है, डिफर करता है। तो ऐसा कुछ सिम्टम होता है, जैसे कि अगर हम लोग को मलेरिया होता है तो हम लोग उसमें बहुत जल्दी थक जाते हैं। थक जाने का रीज़न ये है कि मलेरिया जो पैरासाइट है वो हमारे RBC को रैप्चर कर देता है, यानी कि लाल रक्त कोशिका को डैमेज कर देता है, जिसके वजह से वो टूट जाता है। आपको पता है कि RBC किसको कैरी करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। हम लोग ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, बॉडी में RBC सेल टूट जाता है, ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हम थक जाएंगे जल्दी, कहीं सीढ़ी चढ़ने से थक जाएंगे, थोड़ा चलने से थक जाएंगे, और हम इस थकान की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा पानी बॉडी में इनहेल करने लगते हैं, लेने लगते हैं, पानी पीने लगते हैं, और इससे क्या होता है ना, हमारा लीवर में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को RBC के टूटने की वजह से हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। और जॉइंट पेन, इसका एक सिम्टम होता है, जॉइंट पेन होने लगता है। आप किसी को देख के ये बता सकते हैं कि हाँ इसको जॉइंट पेन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, और साथ साथ आपका RBC वगैरह सेल टूट रहा है, तो ये थकान वगैरह देख के आप उनको बता सकते हैं। सेम ऐसा कंडीशन टाइफाइड में भी होता है, लेकिन टाइफाइड में कुछ और भी होता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होना। आपको जब मलेरिया का सिम्टम होगा, आप दो पेशेंट से बात कर रहे हैं, एक टाइफाइड वाला पेशेंट है और एक मलेरिया वाला है, तो आप एक, क्योंकि आप स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, आप कैसे अलग अलग डिफर कर पाएंगे? आप उनसे बात करेंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या होती है। अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रही है और नाइट स्वीटिंग हो रही है, तो आप ये डिफर कर सकते हैं कि नहीं इनको टाइफाइड हो सकता है। लेकिन जिनको मलेरिया होता है उनको 24/7
यानी कि दिन के टाइम में भी थकान होगी, रात के टाइम में भी थकान होगी। दिन के टाइम में भी आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, रात को भी आएगा, और साथ साथ जॉइंट पेन डे टू नाइट रहेगा और कॉन्स्टिपेशन रहेगा। तो इसके थ्रू हम लोग डिफर पता कर सकते हैं। बाद बाकी आपको सारा कुछ यहाँ से पता चल चुका है और थैंक यू। मैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है, अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त, जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला, थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टेक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। फर्स्ट क्राई कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम आप पूर्णिया के जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे बच्चियों के लिए सभी तरह के मजबूत भरोसेमंद एवं किफायती आइटम, जैसे तमाम तरह के कपड़े, खिलौने, पढ़ाई की सामग्रियां, फुटवियर के साथ साथ लेटेस्ट सभी तरह के आइटम, वो भी आपकी भरोसेमंद कंपनी फर्स्ट क्राई का। तो आज संपर्क करें फर्स्ट क्राई जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम पूर्णिया, प्रोप्राइटर अमर केसरी, कॉन्टेक्ट नंबर 9341505230।